हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस तो आज हम करने वाले एल डी हाइड की नेम रिएक्शन सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ नेम रिएक्शन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल तो हमने सबसे पहले पढ़नी है प्रिपरेशन ऑफ एल डी हाइट्स प्रिपरेशन ऑफ एल के अंदर दो नेम रियक्शन आती है हमारे पास रोजन रिडक्शन रोजन रिडक्शन नेक्स्ट वन इज स्टीफन रिडक्शन तो हमारे पास पहली है रोजनमन रिडक्शन दूसरी है हमारे पास स्टीफन रिडक्शन तो रोजनमन और रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन सबसे पहली बात वाई देर इज अ नीड ऑफ रोजन रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन इनकी जरूरत क्या है हमारे पास और एल को हम इन स्पेशल मेथड से ही क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहली बात हमारे पास एल डी हाइट्स एल डी हाइट्स क्या होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये हमारे पास एल डी हाइड्स है एल डी हाइड्स आर Highly reactive. ये क्या होते हैं हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं एंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज ये क्या हो जाते हैं हमारे पास बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज क्यों होते हैं एंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज क्यों होंगे सबसे पहली बात देखो इधर ऑक्सीडेशन इज हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिमूव होना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऐड होना ये हमारे पास क्या होती है ऑक्सीडेशन ठीक है तो जहां-जहां पे भी हमारे पास h+ होंगे ठीक है जहां पे भी h+ के निकलने के चांसेस है h+ के रिमूव आउट होने के चांसेस है वहां पे ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है थीके? तो अब वहां पे ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होगी तो क्या है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप r c डबल बॉन्ड oh यहां पे हमारे पास क्या बड़ा है एच प्लस तो ये प्लस कैन ग्रुप में क्या पड़ा है हमारे पास तो carbonyl bond के बिल्कुल साथ होता है तो कार्बनल बॉन्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन uh, को इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस इजिल रिमूव आउट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन एल्डी स्टेप में रोकना आ, रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ठीक है तो एल की प्रिपरेशन थोड़ी सी स्पेशल है तो हम कुछ स्पेशल मेथड्स एल डी की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट वन इज रोजन मंड रिडक्शन अदर वन इज शिफन रिडक्शन ठीक है तो स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट नेम रिएक्शन दैट इज रोजन मंड रिडक्शन तो रोजन रोजन मंड रिडक्शन में हमने क्या करना है और एल की प्रिपरेशन कैसे करनी है रोजन मंड रिडक्शन तो रोजन मंड रिडक्शन में क्या करना है हमने इसमें क्या लेना है हमने एल की प्रिपरेशन करनी है तो हमने स्टार्टिंग विद दी एसिड क्लोराइड हमने यहाँ पे क्या लेना है एसिड क्लोराइड और यू कैन से एसाइल क्लोराइड व्हेन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैटलिस्ट हमने एक यहाँ पे कैटलिस्ट लेना है एंड दैट कैटलिस्ट इज पैलेडियम ठीक है तो हमने यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट लेना है वेन पैलेडियम इज ट्रीटेड विद

एसिड एसिड डेरिवेटिव जब में हम एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है एसाइल क्लोराइड तो एसिड्स आर सी डबल बोन ओ एच ये होता है हमारे पास एसिड ठीक है एसिड में जब हम एसओ सी एल टू की एडिशन कराएंगे तो हमारे पास यहां से क्या होएगा यहां से एच यहां से सी एल एसीएल बाहर हो जाएगा ठीक है SO2 बाहर हो जाएगा यहाँ से ठीक है और हमारे पास क्या बचेगा ये बाहर हो गया ये बाहर हो गया HCl बाहर हो गया तो हमारे पास RCE डबल बॉन्ड OCl तो ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड ठीक है ये हमारे पास बना एसिड क्लोराइड तो ये हमारे पास जो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं एसिड के डेरिवेटिव

इसके अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन पोर्स के अंदर क्या स्टोर होती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस इन पोर्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है अब जब भी हम एसाइल एसाइलक्लोराइड को इसके ऊपर से पास कराएंगे तो एसाइल क्लोराइड को जब इसके अंदर से पास कराते हैं तो हमारे पास क्या होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्लोराइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आती है तो यहाँ पे होती है रिडक्शन अब सबसे पहली बात याद रखना है कि हमारे पास रोजन मन रिडक्शन में जो रिडक्शन होती है दैट इज पार्शियल रिडक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराते हैं यहाँ पे कराते हैं पार्शियल रिडक्शन तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगी देर इज पार्शियल रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन क्यों करानी है बिकॉज अगर हमने एसिड क्लोराइड की कंप्लीट रिडक्शन कराई एसिड क्लोराइड की हमने कंप्लीट रिडक्शन करा दी एसिड क्लोराइड क्या है हमारे पास सी डबल बोडो सीएल जब इसकी कंप्लीट रिडक्शन कराओगे तो इट विल चेंज इन टू एल्कोहल इसकी कंप्लीट रिडक्शन पे क्या हो जाएगा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा अब हमने एल्कोहल तो प्रिपेयर नहीं करना हमने क्या करना है एल्डिहाइड स्टेप पे रिएक्शन रोकनी है ठीक है तो हम क्या करते हैं क्योंकि पैलेडियम के पास बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं बहुत सारी साइड्स एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे देर इज अ चांस ऑफ कंप्लीट रिडक्शन इसके तो पूरे पूरे चांसेस है कि कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी हमारे पास एल्कोहल में चेंज हो जाएगा

पैलेडियम सरफेस की कुछ साइड्स को डीएक्टिवेट कर देगा तो अब कुछ साइड्स को डीएक्टिवेट कर दिया तो हमारे पास आ, कम ही हाँ, कुछ साइड्स बचेगी जिनके पास हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे कम प्रियड रिडक्शन होने के चांसेस कम होंगे ठीक है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो एल्डीहाइड्रिक स्टेप पे रुक जाएगी ठीक है तो अगर हमें एलडीहाइड्रिक स्टेप पे रिएक्शन रोकनी है तो हमने पैलेडियम सरफेस के साथ पैलेडियम मेटल के साथ क्या डालना है पॉइजन डालना है तो कुछ साइड्स को डीएक्टिवेट करना है ताकि वो अल्कोहल में ना चेंज हो जाए तो अब देखो तो हमने क्या किया था एसाइल क्लोराइड लिया आर सी डबल बोन्डो सी एच क्या डाला बीच में पैलेडियम केटलिस्ट ठीक है पैलेडियम एज अ केटलिस्ट डाला पॉइजन विद बी एस ओ फोर और साथ में क्या डाला पॉइजन बी एस ओ फोर डाला तो यहां से हमारे पास क्या होएगी पैलेडियम सरफेस से पैलेडियम के सरफेस में क्या होती है हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है एच ठीक है एच एन एच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है रिडक्शन तो यहाँ से एच यहाँ से सी को क्या करना हमने बाहर करना है तो हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी आर सी डबल वन ओ एच ठीक है तो यहाँ से हमारे पास <coughs> क्या हो गया एल डी हाइट्स प्रिपेयर हो गे. तो हमने एल डी हाइट्स की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम क्लोराइड बाय टलिस्ट पैलेडियम पॉइजन विद बी एस ओ फोर साथ में पॉइजन डालना है ठीक है तो अब फॉर एग्जाम्पल बेंज़ोइल क्लोराइड मैंने क्या लिया बेंज़ोइल क्लोराइड ठीक है तो बेन् बेंज़ोइल क्लोराइड को जब हम एच टू पी डी बी एस ओ फोर की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजेलडी हाइट तो C डबल बोन O H तो यहां से H यहां से Cl को क्या आप कर देना बाहर कर देना है तो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या है बेन्जेलडी ठीक है तो हमने एल्डिहाइडिक स्टेप पे रिएक्शन रोक ली कैसे रोकी बाय सम स्पेशल ट्रीटमेंट और हमने वो स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे करा कि कैटलिस्ट लिया कैटलिस्ट के catalyst की भी सारी सर, सारी साइड्स एक्टिवेट होती है तो हमने उसके अंदर पॉइजन डाल दिया सो so दैट हमारी रिएक्शन एल्डिहाइडिक स्टेप पे ही जाए दिया एल्कोहल्स में कंप्लीट रिडक्शन ना कराए तो होता क्या है में रिडक्शन में लोगे उसकी पार्शियल रिडक्शन कराओगे पार्शियल मतलब रोकोगे ठीक है और किसकी हेल्प से PDB, की हेल्प से और किस में चेंज करना हमें रिडक्शन नेक्स्ट वन इज स्टीफन रिडक्शन अब स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट वन इज स्टीफन रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन से हम क्या करते हैं इट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स इसमें क्या करेंगे हम नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराएंगे ठीक है और यहां पे भी रिडक्शन कैसी होगी पार्शियल रिडक्शन होने वाली है ठीक है नाइट्राइल्स की जब रिडक्शन कराएंगे तो इट विल बी चेंज इन टू एलडी हाइट्स तो नाइट्राइल्स की रिडक्शन करा के एल डी हाइड्स में चेंज करना है और कैसे करना है हमारे पास सबसे पहले नाइट्राइल्स लोगे ठीक है नाइट्राइल्स क्या होता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ठीक है इसको हमने ट्रीट कराना है विद स्टेनस क्लोराइड एस एन सी एल टू एंड एच सी एल ठीक है इट विल बी चेंज इन टू एल डी हाइट आर सी डबल वन ओ एच तो ये एल डी हाइड्स में चेंज हो जाएगा और होगा कैसे सबसे पहले क्या करोगे नाइट्राइल्स लोगे अच्छा उससे पहले एस एनसीएल टू और एच सी एल इन रिएजेंट्स का रोल

एच सी एल वेन एस एन सी एल टू इज रियक्टेड विद टू मॉलिक्यूल फोर से हमें क्या मिलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे एस एन सी एल टू और एच सी एल ने क्या करा इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कराई ठीक है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कराएंगे रिडक्शन कैसे कराएंगे SnCl2 था SnCl के साथ रिएक्ट करा किसमें चेंज हो गया SnCl4 में इसने यहाँ से हमें क्या प्रोवाइड करी नेसेंट हाइड्रोजन तो हमारे पास हाइड्रोजन आ गई ठीक है अब हम क्या करा देंगे रिडक्शन तो हमारे पास ये देखो इधर यहाँ पे Sn के ऊपर क्या चार्ज था? प्लस टू. क्या है +2 इसके ऊपर क्या चार्ज है +4 तो Sn ने क्या किया खुद ऑक्सीडाइज हुआ और हमारे पास दूसरों की क्या कराई रिडक्शन कराई तो SnCl2 HCl एक्ट as a reducing agent तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो अब देखो क्या करना है हमारे पास हमारे पास था RCN R C ट्रिपल बॉन्ड N ठीक है इसके साथ क्या डाला था SnCl2 plus HCl तो इसके अंदर हमने SnCl2 और HCl ऐड करा तो हमें पता चल गया कि SnCl2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जब HCl रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 एसेंट हाइड्रोजन साथ होती है तो नेसेंट हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करना है हमारे पास कार्बन आर सी ट्रिपल बॉन्ड एंड हमारे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोइल था तो ट्रिपल बॉन्ड से ये किसमें चेंज हो जाएंगे डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक है हमारे पास दो हाइड्रोजन आए थे तो ट्रिपल बॉन्ड से किसमें चेंज कर देना है डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन को कार्बन पे ऐड करना है एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पे ऐड करना है तो अब ये जो ग्रुप हमारे पास बना है यहाँ पे आर डबल बोन सी डबल बॉन्ड एन इसको क्या बोलते हैं हम इमीन ये हमारे पास क्या बना है इमीन इमीन की फॉर्मेशन होगी ठीक है अब जब इमीन बनता है इमीन बनने के बाद हम क्या करते हैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस तो इसकी क्या करनी है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करनी है ठीक है हाइड्रोलिसिस में क्या लोगे एच एंड ओ एच हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा यहाँ से एन यहाँ से एच यहाँ से एच और यहाँ से एच तो अमोनिया यहां से क्या निकलती है अमोनिया गैस होती है, तो गैसे हो गया तो हमारे पास क्या बच गया आर सी डबल बोन ओ एच तो हमारे पास क्या आ गई एल आ गया तो फर्स्ट ये हमारे पास एल की प्रिपरेशन होगी ठीक है तो फर्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ी थी हमने एस एन uh, so से याद रखना so है एस एन सी एल टू और एच सी एल विच इज आ रिड्यूसिंग एजेंट तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट कराते हैं क्या नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराएंगे तो so अगर नाइट्राइल्स की रिडक्शन भी करानी हमने तो नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराते हैं हमें क्या मिल जाता है एल्डिहाइड और रिडक्शन कैसे करानी है पार्शियल रिडक्शन करानी है ठीक है पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा तो दिस वाज द स्टीफन रिडक्शन तो नाइट्राइल्स की हमने रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एस टू प्लस एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस कराई हमारे पास क्या किसकी प्रिपरेशन हुई एल की ठीक है तो दिस वॉज दीफन रिडक्शन नेक्स्ट नेम रिएक्शन नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज रिएक्शन, नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज इटार रिएक्शन इटार रिएक्शन किस लिए यूज होती है हमारे पास इट इज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन तो ये रिएक्शन क्या कराती है हमारे पास ऑक्सीडेशन कराती है हाइड्रोकार्बन टू हमारे पास आ, ये ऑक्सीडेशन कराएगी हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड ठीक है तो कैसे कराती है हमारे पास सबसे पहले देखो हमारे पास रिएक्शन में स्टार्टिंग मटीरियल क्या है हमारे पास टॉली

तो क्या किया इटार्ड रिएक्शन अब खुद देखो हमारे पास इटार्ड रिएक्शन क्या करा रही है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन था ठीक है है और यहां पे हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है. तो इज इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बनल बॉन्ड सीधा कार्बनल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन हो रही है तो बहुत अच्छी ऑक्सीडेशन कराती है हमारे पास ठीक है तो कार्बन सीधा हाइड्रोकार्बन से किसमें चेंज करना है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कराती है हाइड्रो कार्बन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एल ठीक है ये हमें रिएक्शन ने करके दिया था और कैसे किया था ये देखो उधर हमारे पास ये पता है टौलीन। टौलीन में क्या होता है हमारे पास सी एच सी एच एच और एच ये हमारे पास टॉलीन है यहाँ पे ठीक है अब टॉलिन जैसे अभी बताया था कि जहां पे भी हाइड्रोजन पड़े हैं ना वहां पे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे तो हमारे पास तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा इसके एसिड में चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है लेकिन हमने क्या करनी है एलडी हाइडिक स्टेप पर रिएक्शन रोकनी है हमें तो एल्डिहाइड चाहिए ठीक है हमने इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करानी ही नहीं है तो हाइड्रिक स्टेप पे रिएक्शन रोकने के लिए सबसे सबसे पहला काम क्या है इन हाइड्रोजन को खत्म करो इन हाइड्रोजन को यूटिलाइज करो इनको प्रोटेक्ट करो क्योंकि हमें एलडी में कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं हमारे हमारे पास एल में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की जरूरत होती है हमें बाकी की दो हाइड्रोजन अगर ये बाकी के दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहे तो ये ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएंगे ठीक है तो हमने क्या करा सबसे पहले टोलिन लिया

दो हाइड्रोजन है तो दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सी आर ओ टू सी एल टू टू सी आर ओ टू सी एल टू लेना है तो सी आर ओ टू सी एल टू दिस इज ठीक है इसको क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड तो हमने दो हाइड्रोजन थे दो क्रोमाइल क्लोराइड के हमने क्या ले लिए टू मॉलिक्यूल्स ले लिए अब क्या होगा हमारे पास यहां से हाइड्रोजन को बाहर करना ठीक है ठीके? ये वाला हाइड्रोजन ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ठीक है ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव नेगेटिव को को ये को. ये पॉजिटिव पॉजिटिव किसको किसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा करेगा वाला इस नेगेटिव को तो पॉजिटिव ने किसको अट्रैक्ट करा नेगेटिव को नेगेटिव ने पॉजिटिव इस वाले हाइड्रोजन ने किसको अट्रैक्ट करा नेगेटिव को ठीक है अब ये जब दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे यहाँ पे वैलेंसीज आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा यहां से इस वाले ऑक्सीजन यहां से इस वाले ऑक्सीजन को और यहां से इस वाले ऑक्सीजन को ठीक है तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से भी ऑक्सीजन तो करा क्या है तो हमने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड लिया ठीक है सबसे पहले हाइड्रोजन था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दी इधर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दी ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गए ये वाला ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी और ये वाले ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगी ठीक है तो कैसे करना है ये सी यहां पे एच ठीक है अब यहां देखो यह हाइड्रोजन कहां चले गए हमारे पास इस ओ के साथ इस कार्बन पे दो ऑक्सीजन अटैच हो गए ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से और ये वाला कार्बन सेम वही दूसरे ऑक्सीजन से तो ये वाली से हमने ऑक्सीजन अटैच करा यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच करा अब इस के साथ चेक करो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन था ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है सी आर आगे लगा हुआ है सी आर उसके पास एक ओ OH एच और बाकी के, के दो सी एल टू तो यहां पे हमारे पास सी आर ओ और आगे क्या लगा हुआ है सी आर ओ एच ठीक है? तो यहां पर देखो ये हमारे पास कार्बन ये किससे जो आएन हुआ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आगे फर्दर किससे जो है क्रोमियम से और क्रोमियम आगे यहां पे ओ एच और सी एल टू सिमिलरली नीचे सीआरएच सी एल टू सी आर ओ एच ठीक है तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया एक कॉम्प्लेक्स बन गया तो हमने क्या करा ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन करा सकते थे आगे फर्दर एसिड में चेंज कर देते तो हमने इन दोनों को इन्वॉल्व कर दिया हमने इन दोनों को, को क्या करा प्रोटेक्ट कर लिया इनको बचा लिया इनको कैसे बचाया यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्रोमाइल क्लोराइड ने क्या करा इन दोनों को अपने साथ ले लिया ठीक है इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है अब क्या करेंगे हमें चाहिए एल uh, तो हम क्या कराते हैं इसकी फर्दर तो हाइड्रोलिस करा दो हाइड्रोलिस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ये बाहर हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बाहर होगा ओ सी आर ओ सी एल ठीक है इसके हमारे पास क्या आते हैं टू मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला तो यहाँ पे भी एच ये वाला एच यहाँ चला जाएगा ये वाला एच यहाँ चला जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया साइड प्रोडक्ट ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन बन गया और यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन बचा ये ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या बन गई बन गया हमारे पास बेजीहाइड तो सी एच डबल बॉन्ड ओ तो ये हमारे पास वेलडी हाइड की प्रिपरेशन है तो ये हमारे पास सी आर ओ एच ट्वाइस सी एल टू तो हम साइड प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं तो इटार रिएक्शन ने क्या कराया हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन था हाइड्रोकार्बन की ऐसी ऑक्सीडेशन कराई कि हमारे पास क्या आ गया एल ग्रुप आ गया तो जब भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करानी है तो हमने क्या डालना है उसमें सीआर ओ टू सी एल टू क्रोमाइलक्लोराइड डाल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट ठीक है लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ डालना है उसके साथ उसके बाद हमारे पास क्या बनेगी एल डी हाइड्स की प्रिपरेशन हो जाती है और प्रिपरेशन होती कैसे है क्रोमाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लोगे ठीक है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ और इस वाले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ठीक है तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा इंटरमीडिएट क्यू बनाया था क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट करना था इंटरमीडिएट बनाया फर्दर फॉलोड बाई हाइड्रोलिस तो हमारे पास एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होगी सो दिस रिएक्शन नेक्स्ट वन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन नेक्स्ट वन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन अब ये गेटरमैन कोच रिएक्शन भी क्या है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलडी गेटरमैन कोच रिएक्शन कोच गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये भी क्या एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन करनी है हमने फ्रॉम बेंजीन रिंग अगर बेंजीन रिंग है खाली बेंजीन रिंग से हमने क्या करनी है एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है ठीक है तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन अब गेटरमैन कोच रिएक्शन में याद रखना कोच कोच डालना है ठीक है हमने तो क्या डालना है CO HCl क्या डालोगे CO HCl इन प्रेजेंस ऑफ

तो हमारे पास फो फॉरता है कॉम्प्लेक्स बनता है सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी एल अब देखो हमारे पास एनहाइड्रो सी एल सी एल थ्री बड़ा यहाँ पे तो वी वेरी वेल नो दैट ए है एनहाइड्रोसीएल थ्री का लुइस एसिड तो ये हमारे पास क्या है लुइस एसिड लुइस एसिड का काम क्या होता है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है हाउ इट जनरेट इलेक्ट्रोफाइल देखो धन तो हमारे पास ये क्या है एनहाइड्रस ए थ्री इसको जब हम एनहाइड्रस ए थ्री के साथ रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस ए थ्री इज अ लुइस एसिड तो लुइस एसिड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या करता है यहाँ से सी को यहाँ से सी को हम इसे लिख देते हैं इसको सी को एक्सेप्ट करता है एच और सी तो एनहाइड्रस

तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करी तो एनहाइड्रोस एल सील, सील, हमने क्यों लिया फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ठीक है और सी और एच हमने क्या बनाया यहाँ से फ्रोमाइल क्लोराइड इसको हमने लुइस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा अब इलेक्ट्रोफाइल देखो अब ठीक है हमारे पास बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग ठीक है बेंजीन रिंग को हमने CO HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो C डबल बॉन्ड O H एंड Cl और एनहाइड्रस Cl3 एनहाइड्रस AlCl3 था एनहाइड्रस AlCl3 तो ये क्या कराएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हमने क्या करानी है बेंजीन रिंग पे तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे तो C डबल बोन ओ एच तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था ये सी एल इसके साथ गया था तो C डबल बोन ओ एच तो इलेक्ट्रोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है बेंजीन रिंग पे क्योंकि बेंजीन रिंग के पास क्या होती है पाई बोन्ड पाई बोन्ड के पास क्या होता है लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसको क्या इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ठीक है न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करेगा और हमारे पास वहां पे ऐड हो जाएगा तो ये थी हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन तो गेटरमैन कोच रिएक्शन ने क्या करवाया डायरेक्ट बेंजीन से क्या कराओगे एल में चेंज करोगे ठीक है बेंजीन रिंग से सीधा किस में करना है में चेंज करना विद इन द प्रेजेंस ऑफ सी ओ एंड एंड हाइड्रोसीएल सी एल थ्री विच इज अलूस एसिड तो ये थी हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन ऑफ इड्रोकार्बन जैसे अभी हमने पढ़ी कि हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करा के हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं ठीक है तो अब हमने क्या करना है रिडक्शन पढ़नी है तो रिडक्शन ऑफ कार्बनल ग्रुप तो एल्डिहाइड्स रिडक्शन ऑफ कार्बन एल जैसे अभी हमने हाइड्रोकार्बन से क्या प्रिपेयर किया था एल्डिहाइड ठीक है एल्डिहाइड्स की एल्डिहाइड uh, प्रिपेयर किया था हाइड्रोकार्बन से बाय ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन कराई थी तो एल्डिहाइड

इसको किस में चेंज करना है हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोकार्बन अब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में भी हमने दो नेम रिएक्शंस पढ़नी है ठीक है फर्स्ट वन इज इसके अंदर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में भी हमने दो दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तो फर्स्ट वन इज क्लेमेंज़न रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन नेक्स्ट वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन नेक्स्ट वन इज रिडक्शन तो और वुल्फ किशन रिडक्शन दोनों क्या कराएंगे कार्बनल ग्रुप की रिडक्शन करानी है और कंप्लीट रिडक्शन करानी है हम तो कार्बनल ग्रुप की रिडक्शन करा के किसमें चेंज करना है इसको हाइड्रोकार्बन में ठीक है हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज करोगे अब क्लेमेंज़न रिडक्शन और रिडक्शन वेरी सिमिलर ठीक है? ये आपस में एक दूसरे से सिमिलर है सिर्फ इनके अंदर डबल ये हमारे पास कार्बनिल ग्रुप है ठीक है ये हमारे पास क्या है कार्बनिल ग्रुप आ गया अब कार्बनिल ग्रुप में जब भी हमने व, ये, क्या डाल हमने कार्बनल ग्रुप इट मे बी एल्डिहाइड और किटोन कुछ भी हो सकता है एल्डिहाइड और किटोन तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमने सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या डालोगे जिंक अमलगम ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल तो क्लेमेंसन से याद रखना सीएल से याद रखना कि Zn Hg तो जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो कहीं पे भी जिंक अमलगम एसिडिक मीडियम HCl, HCL के आया हमारे पास एसिडिक मीडिया तो अगर हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है तो हम उसको क्या बोलेंगे क्लेमेंजन रिडक्शन ठीक है तो क्लेमेंजन रिडक्शन तो ये बहुत अच्छी रिडक्शन कराती है रिडक्शन कराएगी तो क्या करेगी सीधा इसको हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगी तो जो भी ये हमारे पास कार्बनिल ग्रुप वाला कार्बन है ये वाला कार्बनिल ग्रुप वाले कार्बन को हमने रिड्यूस करना है कंप्लीटली रिड्यूस करना है और कंप्लीटली रिड्यूस करके इसको कैसे लिखोगे सी एच टू ऑक्सीजन इसको कंप्लीटली रिमूव आउट कर देना हमने यहाँ से ठीक है तो ये किस में चेंज हो जाएगा सी एच टू तो कार्बनेल बॉन्ड थी हमारे पास कार्बनल बॉन्ड की हमने कंप्लीट रिडक्शन कराई में चेंज कर दिया हाइड्रोकार्बन में और कौन से मीडियम में करा एसिडिक मीडियम में अगर हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कमलगम तो हमारे पास कौन सी होगी क्लेवें रिडक्शन नाउ नेक्स्ट वन इज वुल्फ किशनर रिडक्शन वुल्फ किश्नर में भी हमने क्या करना है तो रिडक्शन में भी हमने क्या करना है हाइड्रो कार्बनिल ग्रुप को किसमें चेंज करना है हाइड्रो कार्बन में ठीक है तो ये हमारे पास फिर से कार्बनिल ग्रुप C डबल बोन O ये हमारे पास कार्बनिल ग्रुप है ठीक है तो इसके अंदर हमने क्या डालना है हाइड्रोजन ठीक है NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सोल्यूशन के ठीक है और साथ में एज ए सोलमेंट हम डालते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल तो इथाइलीन ग्लाइकोल डालना है और बेसिक सॉल्यूशन में हमने यहां पे किस किस में करी थी एसिडिक मीडियम में अगर हम एसिडिक मीडियम में करानी है तो हम क्या डालेंगे जिं, जिंक एंड अगर हमें बेसिक मीडियम में करानी है के ओ एच यहाँ पे हमने क्या डाला बेस तो यहाँ पे बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी ठीक है और करती क्या है ये भी कार्बोनिल एल बोन को किसमें चेंज कर देगी सीधा हाइड्रोकार्बन में तो इट विल बी चेंज इन टू हाइड्रोकार्बन सी एच टू ठीक है तो ये हमारे पास थी वुल्फ कृष्णा रिडक्शन एंड क्लेमिंजन रिडक्शन ठीक है थैंक यू